मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में जिला कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान अनोखा मामला सामने आया। बताने की जनसुनवाई के दौरान अधिकारी उस समय हैरान रह गए जब शादी के जोड़े में हाथ में आवेदन लिए दूल्हा दुल्हन शिकायतकर्ताओं की लाइन में लगे नजर आए। इसी कड़ी में दुल्हन दोनों दूल्हा दुल्हन ने अधिकारियों को बताया कि हमारा निकाह 6 माह पहले मुख्यमंत्री निकाह योजना के तहत खकनार में हुआ था, लेकिन आज तक कन्यादान की राशि हमें नहीं मिल पाई है, जिस पर अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान ने शिकायत सुनकर संबंधित विभाग को भेजी और निराकरण का आश्वासन दिया। वहीं बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर की रिपोर्ट। हमें वहां से आदेश आया कि भाई आपकी बच्ची का वहां पर फला फला तारीख को निकाह है, आप वहां लेके आ जाना बच्ची को। अब हमने वहां पर हमारी बच्ची को ले आके निकाह करवाए। निकाह कराने के बाद में 6 महीने गुजर चुके, हमारे को हमारी बच्ची की राशि वहाँ से नहीं मिल पा रही, तरह तरह के बहाने कर रहे हैं। जनसुनवाई में दो पति पत्नी आए थे, जोड़ा मतलब उनकी शादी हुई थी 21 जून 2023 खकनार में। उनका कहना है कि हमको राशि जो मुख्यमंत्री सहायता की अभी मिली नहीं, लेकिन शादी हुई उसकी हम जांच करवाते हैं वास्तविक क्या स्थिति, हो सकता है वो पात्र होगा या फिर राशि नहीं दी होगी, उसको जाँच करवाते।